असफल नहीं होते, इसका अर्थ है कि आपने कोई मुश्किल काम हाथ में लिया ही नहीं। और अगर आप सफल नहीं हो रहे तो निराश ना हो, क्योंकि बस दो कदम की दूरी पर ही सफलता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डीपी मेमोरियल। दोस्तों, कई बार हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि हमें विश्वास ही नहीं होता कि ठीक हो सकता है, क्योंकि उस केस का, उस जैसे सीरियस केस का किसी भी डॉक्टर की लाइफ में बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जो पहला एक्सपीरियंस होता है, या उन्होंने देखा हुआ केस होता है लेकिन खुद से नहीं, अपने किसी सीनियर के अंडर में या टीचर के अंडर में। और जब ऐसा केसेस उनके क्लिनिकल प्रैक्टिस में आता है तो उनका कॉन्फिडेंस एक बार तो हिल जरूर जाता है, लेकिन चूंकि ऐसे केसेस उन्होंने देख रखे हैं तो वो उस केस पे काम करना शुरू करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि बिना जॉब लिए एक्सपीरियंस नहीं होता, और हर कंपनी जॉब के लिए एक्सपीरियंस मांगती है, तो भैया जब तक जॉब नहीं करोगे तो एक्सपीरियंस कहां से आएगा, और एक्सपीरियंस नहीं आएगा तो बड़ी कंपनी कैसे लेगी। वैसे ही जब तक आप छोटे केसेस डील नहीं करोगे तब तक आपके पास बड़ा केस नहीं आएगा, और बड़े केस में जब तक आप फेल नहीं होगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। वैसे ही एक केस आया मेरे पास नवंबर 2021 में। ये केस था वर्टिकल बॉल्डनेस का, यानी आप फोटो में देख सकते हैं कि इस महिला के सिर के ऊपर के बाल लगभग खत्म थे, बिल्कुल रोए तक नहीं दिख रहे थे, ऐसी कंडीशन थी। ये तमिलनाडु के पेशेंट थी, और इन्होंने अपनी जगह पे तमिलनाडु और उसके आसपास के क्षेत्र में जितना हो सकता था उतना इन्होंने ट्रीटमेंट कराया, लेकिन इन्हें कोई भी इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिला। इन्होंने मेरा यूट्यूब का वीडियो देखा, और चूंकि ये सिर्फ तमिल जानती थी और इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा नहीं था हिंदी और इंग्लिश में, तो इनके एक नेबर ने इनकी हेल्प करी। वो कॉन्फ्रेंस में रह करके मेरे साथ बात करती थी, और उन्होंने जब इनका केस डिटेल दिया मुझे, और जब मैंने उनसे बात करी, वीडियो कॉल पे भी बात करी और उनके उनसे ऑडियो कॉल पे भी बात करी, तो उनके बात बात करने के तरीके से और बहुत सारे मेंटल सिम्टम्स ले करके मेडिसिन जो आई वो थी बराइटाकार। और बराइटाकार स्पेसिफिक मेडिसिन है, बराइटाकार, नेट्रम्यूर, बैसिलिन, इस तरह के स्पेसिफिक मेडिसिन है जो ऊपर के बॉल्डनेस को बहुत अच्छे से कवर करती है। तो मैंने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया, बराइटाकार 30, 200, 1 mg, इस तरह से मैंने हर महीने उनकी डोज चलाई, और साथ में निहलिनम एलम पोटेंसी में और एलोपेशिया ऑल और एलोपेशिया ड्रॉप मैंने इनको साथ साथ चलाया। लगभग 4 महीने तक, 1 mg तक आने तक मुझे लगता है इस पेशेंट में किसी तरह की इंप्रूवमेंट नहीं देखी, जो कहते हैं कि एक रोए भी नहीं आया। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ज्यादातर मरीज निराश हो जाते हैं, उनका डॉक्टर से भरोसा उठ जाता है। जरा सा रिग्रेशन हुआ, जरा सा केस अगर बिगड़ा या इंप्रूव नहीं हुआ, तुरंत मरीज डॉक्टर पे ब्लेम करने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि उस डॉक्टर की हिम्मत भी टूटती है और वो इस तरह के डिफिकल्ट केसेस लेना बंद कर देता है। इसके उलट बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो कि पूरे भरोसे के साथ जुड़े रहते हैं। कई बार तो मेरे पास ऐसे मरीज भी हैं जिन्होंने सर्जरी भी करा ली, उसके बाद भी मेरे से जुड़े हुए हैं, ताकि सर्जरी के बाद अगर उस बीमारी के होने की पॉसिबिलिटी हो वो भी ना हो, जो कि होम्योपैथी कर सकती है। तो 4 महीने के बाद इस पेशेंट का जब मैंने बराइटाकार 1 mg के बाद 10 mg किया, तो अगले महीने जो इनकी फोटो आई तो उसमें कुछ हेयर्स दिख रहे थे। मुझे उम्मीद जाए कि बस मामला अब सेट होने वाला है। मैंने 10 mg रिपीट नहीं किया, मैंने 10 mg देके छोड़ दिया, और निहलिनम और एलोपेशिया ऑयल और एलोपेशिया ड्रॉप मैंने कंटिन्यू रखा। अगले महीने मैंने फिर से ये प्रिस्क्रिप्शन रिपीट किया। लगभग 8 महीनों के बाद, 8 महीनों की दवाई भेजने के बाद, इस पेशेंट से मेरा कम्युनिकेशन लगभग खत्म हो गया, क्योंकि इनकी जो नेबर थी जिनसे मेरा कम्युनिकेशन होता था, जिनके थ्रू उनकी शादी हो गई, वो कहीं और चली गई। लेकिन चूंकि इनका एड्रेस था और इनका मैसेज आता रहता था, वॉइस मैसेज, इस तरह से टूटी फूटी भाषा में कहते थे डॉक्टर साहब दवाई भेज दो, मैं दवाई भेज देता था। लगभग 1 साल के बाद इनसे कम्युनिकेशन पूरी तरह से खत्म हो गया, और मुझे कोई अपडेट नहीं आ रहा था कि इनकी कंडीशन क्या है, नहीं है। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगा कि ये केस अब ठीक नहीं होने वाला है, पेशेंट 1 साल से इलाज करा करा कर परेशान हो चुकी है, अब वो किसी और डॉक्टर के पास चले गई होंगी। एक दिन, अभी पिछले महीने ही, मेरे पास एक लड़की का कॉल आया। उसने मुझे कहा कि सर मुझे हेयर फॉल का ट्रीटमेंट चाहिए। मैंने बोला ठीक है, आप करा लो। उससे मैंने केस डिटेल लिया, फिर मालूम हुआ तमिलनाडु की है, फिर ज्यादा उनसे मैंने डिटेल लिया तो मालूम हुआ कि ये उसी पेशेंट की नेबर है जो मेरे से कम्युनिकेट करती थी, उनकी ये सिस्टर है। तो इन्होंने मुझे बताया कि सर मैं उन्हीं के पास रहती हूँ और मुझे आपसे ट्रीटमेंट लेना है। मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट था कि भाई ये केस ठीक नहीं हुआ, तो देखता हूँ इसमें कोशिश करूंगा कि कम से कम ये जो मेरे से नया केस जो मेरे पास आया है ये ना बिगड़े और ये ठीक हो। फिर मैंने बातों बातों में उनके बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा सर वो तो ठीक हो गई। मैं सरप्राइज, भाई ठीक हो गई ना, कोई खोज खबर ठीक हो गई, भाई मुझे तो कम से कम पता हो कि ठीक हो गई।
तो मैंने बोला कि थोड़े से हेयर आए, बोले नहीं सर पूरे बाल आ गए, जितने गायब थे जितना सर पूरा खाली था उनका बॉल था वो पूरा ही ठीक आ गया, पूरा गंजापन ठीक हो गया। मैंने बोला फोटो भेजो, उन्होंने मुझे फोटो भेजा, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं सरप्राइज कि भाई ये सच में पॉसिबल हुआ और होम्योपैथी से पॉसिबल हुआ। और इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि कई महीनों तक कुछ नहीं होने के बाद भी, जीरो रिजल्ट के बाद भी इस पेशेंट का भरोसा मेरे ऊपर था, क्यों था ईश्वर जाने। और इस भरोसे पे चल करके ये मरीज एक ऐसे रिजल्ट को लेकर के आए, एक ऐसा रिजल्ट मुझे दिखा जो कि बहुत 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 मुश्किल था, आप कह सकते हैं असंभव की हद तक मुश्किल था। लेकिन कहते हैं ना, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है, अगर आपने ईमानदारी से प्रिस्क्रिप्शन किया है तो ईश्वर भी आपकी मदद जरूर करता है, बस जरूरत है सामने वाले का भरोसा और अपनी ईमानदार कोशिश। इसके बावजूद कई लोग एक महीने डेढ़ महीने दो महीने के ट्रीटमेंट कराने के बाद रिग्रेशन होता है या इम्प्रूवमेंट नहीं होती तो डॉक्टर के साथ कई बार कुछ अपशब्द भी कहते हैं, बहुत नेगेटिव फीडबैक देते हैं, मतलब एक तरह से मुहिम चला देते हैं सोशल मीडिया पर उस डॉक्टर को बदनाम करने के लिए। ऐसे में क्या होता है, डॉक्टर की हिम्मत टूटती है और बहुत सारे इनक्यूरेबल केसेस करने वाले डॉक्टर जो कि बहुत हिम्मत से केसेस को लेते हैं कि भाई नहीं मुझे डॉक्टरी करनी है, मरीज को ठीक करना है, वो भी ऐसे केसेस लेने से पीछे हटते हैं। नुकसान किसका होता है, समाज का। एक हिम्मती और एक ईमानदार डॉक्टर को खोने का खामियाजा समाज भुगतता है। फिर वो भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल के चक्कर में, लाखों खर्च करते हैं लेकिन फायदा नहीं होता। जबकि कुछ ईमानदार डॉक्टर जो कि होम्योपैथिक आयुर्वेदिक से ईमानदारी से इलाज कर रहे हैं, वो बड़े अच्छे से बहुत कम पैसे में और बहुत तसल्ली से इलाज करके ठीक करते हैं मरीजों को। लेकिन अब इन्हें कौन समझाए जो डॉक्टर पे भरोसा नहीं करते और बहुत थोड़ी सी बातों पे सोशल मीडिया पे तमाशा बना देते हैं। खैर उनकी बातें वो जाने, वो ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं हर मरीज को पर्सनली बहुत अच्छे से देखता हूं। जो भी मेरे पास इलाज करा रहे हैं, जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। मरीज ठीक हो या ना हो, मैं उनका सपोर्ट हमेशा करता हूं। उनको जो भी सलाह लेनी होती, चाहे वो मेरे पास ट्रीटमेंट में रहें या ना रहें, मैं उनको हमेशा सही एडवाइस देता हूं। दोस्तों अपने डॉक्टर पर भरोसा करें, कहीं भी इलाज करें अपने डॉक्टर पर भरोसा करें, उन्हें थोड़ा मौका दें, वो भी इंसान है भगवान नहीं कि भाई जादू की छड़ी घुमाई सब काम हो गया, ऐसा नहीं होता। केसेस मुश्किल होते हैं और कई केसेस तो इनक्यूरेबल होते हैं, उसमें डॉक्टर को भी समय लगता है बीमारी को समझने में, सही मेडिसिन का सिलेक्शन करने में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं डॉक्टर अमित गुप्ता बहुत जल्द आऊंगा आपके पास एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एक नए क्योर किस के साथ। तब तक होम्योपैथी के साथ सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।